आप सभी को खम्मा घणी। इस वीडियो में मैं लाल सिंह चड्ढा का रिव्यू नहीं करने वाला हूं, बल्कि लाल सिंह चड्ढा पे एक रिव्यू का रिव्यू करने वाला हूं। बात बहुत सिंपल है, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मैं बात इससे शुरू करूंगा कि अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उसके बाद भारत में राज करने के लिए 200 साल उन्होंने सिपाही ब्रिटेन से या बाहर से नहीं मंगवाए थे, वो सिपाही हिंदुस्तानी ही थे। पापसी तन्नू की, मुझे पता है मैंने नाम गलत लिया, डोंट वरी, सही नाम लेने की उसकी औकात भी नहीं है। वो कहते हैं कि हम भी बड़ा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा बॉयकॉट करो, इस पे भी बात की जाएगी। बात करेंगे सबसे पहले लाल सिंह चड्ढा हिट होगी या फ्लॉप। मैं आपको बता दूं, कान खोल के सुन लीजिए, दिमाग खोल के सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए कि लाल सिंह चड्ढा को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कोई नहीं कर सकता, आप चाहे कितना ही बॉयकॉट उसे क्यों ना कर लें। एक छोटी सी गणित समझते हैं, हम हैं 1.5 अरब। अगर सिर्फ उसका सबसे छोटा प्रतिशत अगर 1 करोड़ लोग भी भारतीय इस फिल्म को देखते हैं और 500 रुपए का मिनिमम टिकट पर पर्सन आता है, तो गणित आप खुद कर लीजिए, वो होता है 500 करोड़ रुपए। फिल्म का बजट है 180 करोड़ का, यानी कि 320 करोड़ एक्स्ट्रा आमिर खान सिर्फ छोटे से भारतीयों के अमाउंट यानी कि छोटे सी जनता से ही कमा सकता है। यानी कि बॉक्स ऑफिस पे लाल सिंह चड्ढा को सुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। हम जहां 100 करोड़ पे होने पे ढिंडोरा पीटते हैं, भारतीय मीडिया मेंटली ऑर्गेजम फील करती है कि इस मूवी ने 100 करोड़ कर लिए, सोचिए सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट लाल सिंह चड्ढा को 500 करोड़ तक पहुंचा सकता है। और ऐसे बहुत सारे जयचंद हैं आपके और हमारे बीच में जो ये काम करने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मूवी आज रिलीज हो चुकी है, इसके बाद कई सारे पेड रिव्यूज आएंगे। पेड रिव्यूज में कितनी रकम जाती है भूल जाइए, इतनी छोटी छोटी रकम पर चिल्लरों पर मीडिया हाउसेस पेड रिव्यू देने को तैयार हो जाएंगे, जो आप सोच भी नहीं सकते। आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा के जस्ट 7 दिन पहले एक स्ट्रेटेजी अपनाई और माफी मांगनी शुरू कर दी। लोग मेरी फिल्म को बॉयकॉट कर रहे हैं, अगर मैंने आपका दिल दुखाया है तो मैं माफी चाहता हूं। उसके बाद मीडिया हाउसेस ने इस पर बात करनी शुरू करी, यानी कि फ्री में आमिर खान की फिल्म को पब्लिसिटी मिल गई। उसके बाद आमिर खान के ही कुछ लोगों ने ट्रेंड किया बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। उसके बाद मीडिया हाउसेस को बात करने के लिए एक और वजह मिल गई कि लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, यानी कि लगातार हमारे कानों में और हमारे दिमागों में लाल सिंह चड्ढा नहीं चाहते हुए भी घुस गया था, घर कर गया था। अभी OTT बाकी है, सैटेलाइट राइट्स बाकी है, आप सोचिए लाल सिंह चड्ढा कितना कमा जाएगी इतना बॉयकॉट होने के बाद भी। अब बात करते हैं लाल सिंह चड्ढा के उस रिव्यू के रिव्यू की जिसकी मैं बात करने वाला हूं। मैं फिल्म देखने नहीं गया और ना ही मेरी कोई प्लानिंग है फिल्म देखने की, लेकिन हां मैं आज सुबह से जब स्क्रॉल कर रहा था तो आज तक न्यूज चैनल का ये रिव्यू मेरे सामने आया। उसकी कुछ लाइन जो मुझे बुरी लगी वो मैं आपको सुनाना चाहता। लेखक है केतन मिश्रा। मिश्रा साहब, पंडित जी, आप पे बाद में बात की जाएगी। सबसे पहले इन्होंने इतनी बड़ी इंसाइट दे दी है कि मैं क्या कर जाऊं, मैं ज्ञान के अथाह सागर में डूबकी मार चुका हूं। इन्होंने सबसे पहली लाइन लिखी है, चूंकि सेंट्रल कैरेक्टर का नाम हमें शुरू से ही मालूम चल जाता है, ओ माय गॉड, और हमें फिल्म के 20 मिनट में ही समझ में आ जाता है कि फिल्म एक बायोग्राफी है। अरे चूचू के मुरब्बे, यही तो बात चल रही है पिछले साल से कि ये अडप्शन है, कहानी ये लिखते हैं। आपके स्क्रीन पर ही देखिए, लाल सिंह चड्ढा असल में विकलांग, आप चाहे तो दिव्यांग कह सकते हैं। यहां पे उसे मानसिक तौर पे थोड़ा सा डिम दिखाया गया है और भाई साहब ने उसे विकलांग कह दिया है, यानी कि हमारे समाज में जो भी थोड़े बहुत कम समझदार लोग हैं जिनका IQ थोड़ा सा लो है, वो केतन मिश्रा साहब और आज तक की तरह के हिसाब से वो विकलांग है। आप चाहे तो दिव्यांग कह सकते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने विकलांगों को दिव्यांग कहना शुरू किया था, इससे पता लगता है कि ये नरेंद्र मोदी के कितने अगेंस्ट हैं। आप चाहे तो दिव्यांग कह सकते हैं, क्योंकि ये नहीं कहेंगे दिव्यांग उसको, क्योंकि वो मोदी साहब ने वर्ड दिया है। लास्ट में ये लिखते हैं कि हां, जिन्हें लगता है कि ये फिल्म देश के प्रति प्रेम में कुछ कम सामने रखी गई थी, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, यानी कि जो बॉयकॉट कर रहे थे ओवरऑल कहा जाए तो हिंदू। फिल्म देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे, वरना इग्नोरेंस का इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। आपके दिमाग में भूसा भरा गया है केतन मिश्रा साहब, आपके दिमाग में भूसा भरा है। जो हिंदुओं को इंटॉलरेंस इग्नोरेंस कहा जाता है, ये उस पर कटाक्ष है। ये पेड रिव्यू नहीं है तो क्या है, और ये हिंदुओं पर कटाक्ष नहीं है तो क्या है। बात करते हैं
मैंने शुरुआत में जब बोला था कि अंग्रेज जब आए थे तो 200 साल राज करने के लिए वो सिपाही बाहर से नहीं लाए थे, उन्हें हिंदुस्तान में ही इस तरह के सिपाही केतन मिश्रा जैसे लाखों करोड़ों सिपाही मिल गए थे। अनुराग कश्यप कहते हैं कि मेरी फिल्मों को भी बॉयकॉट करो, हम बड़ा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। हीरोइनों की गोदी में बैठने वाले, जो भी आप एक शब्द अपनी तरफ से उससे चुन लीजिए, दो कौड़ी की फिल्मों को क्या बॉयकॉट करें। शाबाश मिथू जिस तरह से गिरी है, तापसी पन्नू को अब चाय और पकौड़े की दुकान खोल ही लेनी चाहिए, क्या पता चाय आपका भी कुछ भला कर जाए। ये है केतन मिश्रा जी, जिनकी लिंक्डइन प्रोफाइल पर ये लिखा है कि ये प्रोड्यूसर है इंडिया टुडे में इस वक्त फुल टाइम, उससे पहले ये सीनियर एडिटर थे ऑल्ट न्यूज में। ओके, अब आप समझ रहे हैं, उससे पहले थे ये सीनियर राइटर लल्लन टॉप में। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इनके कहां से भूसा भर के दिमाग तक पहुंचा है यह भी बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना, अंग्रेज लड़ने के लिए हिंदुस्तानियों से सिपाही बाहर से नहीं लाए थे, हम में से ही निकाले थे, तो ये वही जयचंद है। लेकिन फिर भी कोई नहीं रोक सकता इसे सुपरहिट होने से। ये बात कटु सत्य है, लिख लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को घनी घनी खंबा।